हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे Gate.io के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिस पर आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएँ। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह यहाँ से मार्केट में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास USDT मौजूद हैं और आप लोग चाहते हैं ट्रेडिंग करना, वो आप लोग किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन मौजूद है, इस मार्केट वाले बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तमाम कॉइन्स आपको शो होंगे, ऊपर आप लोग देख सकते हैं स्पॉट, फ्यूचर्स, लोन, न्यू लिस्टेड और टॉप गेनर्स के बटन मौजूद हैं। टॉप गेनर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तमाम कॉइन्स आ जाएंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज शो हो रही है कि कितने परसेंट उसने गेन किया है लास्ट 24 आवर्स में। न्यू लिस्टेड में आप लोग न्यू कॉइन्स देख सकते हैं जो कि अभी न्यू लिस्ट हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और स्पॉट पर क्लिक करके आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहां से कॉइन्स को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं GT जो कि Gate.io का अपना कॉइन है वो यहां पर मौजूद है। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऊपर सर्च का बटन मौजूद है, आप लोग जिस कॉइन में भी ट्रेड करना चाह रहे हैं वो आप लोग कर सकते हैं। तो सर्च में फॉर एग्जाम्पल मैं BTC में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं BTC को सर्च करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेयर आ जाएंगे जिसमें है USDT। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर BTC का रेट आपको शो हो रहा है, तो ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्राइस शो रही है अमाउंट BTC में। आप BTC की अमाउंट लिख सकते हैं कि आप कितनी अमाउंट की BTC, फॉर एग्जांपल 1 BTC, 2 BTC या फिर 0.01 BTC आप लोग बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नीचे परसेंटेज भी शो हो रही है, आप लोग उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर हमारे पास USDT की रो भी मौजूद है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 USDT का BTC बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ और अमाउंट BTC में देखें ऑटोमेटिकली ये आ गई है, हमारे पास 0.0023 BTC बाय हो जाएंगे 100 USDT के। तो मैं बाय के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से $100 के BTC बाय हो जाएंगे। अगर सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है और आप चाहते हैं इसको सेल करना, तो प्राइस में आप लोग लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि इतनी प्राइस की अगर हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। आप यहां पर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आप अमाउंट लिखते हैं कि जब इसकी प्राइस यहाँ पर जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद आप यहां पर क्वांटिटी लिखें कि कितने USDT के आप लोग सेल करना चाहते हैं, उसके बाद सेल के बटन पर क्लिक कर दें तो ये आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और जब BTC उस अमाउंट को हिट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस तरीके की मदद से आप लोग यहां पर बाय और सेल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कौन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।